हाय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन बुकेबल। वेल, आई एम हियर अगेन फॉर यू विद अनदर मोस्ट यूजफुल वीडियो फॉर यू एंड दिस इज़ योक्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडियो, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो फर्दर मैं आप वीडियो बनाऊँ ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है योक्स। तो बेसिकली योक्स क्या होते हैं? योग जो होता है ना, मैंने एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। मैंने ना जो भी मैं आपको इजी लैंग्वेज में योग्स वगैरह या कोई भी टॉपिक समझाती हूँ, मैं साथ के साथ आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपको समझने में भी इजी हो और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। लर्न करने में भी आपको ईजी रहेगी, नोट्स से आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि योक्स हैं, तो योक्स के भी मैंने नोट्स आपको साइड बाय साइड, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप जो मैं समझा रही हूँ वही उन नोट्स में है, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब योक्स बेसिकली क्या होते हैं, पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता देती हूँ। जैसे कि आपने ना कभी कभी कई बार देखा होगा, जैसे कि जो मैंस की शर्ट्स होती हैं, ये जो वीमेंस के जो टॉप्स वगैरह होते हैं, गर्ल्स के जो टॉप्स होते हैं, उनमें ना शोल्डर लाइन से नीचे थोड़े से पार्ट में, बस लाइन से ऊपर, शोल्डर लाइन से 3-4 इंच डाउन एक हमें ना स्टिचिंग लाइन दी होती है। उस स्टिचिंग लाइन को ही हम योक्स बोलते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ योक क्या होता है। बेसिकली जैसे नोट्स में क्या दिया हुआ है, योक इज़ वन सेगमेंट ऑफ द गारमेंट दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द गारमेंट। योक क्या होता है बेसिकली, योक एक सेगमेंट होती है गारमेंट की, जिसको हम गारमेंट में कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस लिए, क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं हम गारमेंट में, क्या होता है योक्स? देखो जो योक्स का पर्पस होता है ना, वो क्या होता है कि टू ऐड स्टिफनेस एंड ईज एंड कंफर्ट इन द गारमेंट। मीन्स इसका उद्देश्य क्या है, हम गारमेंट में योक क्यों बना रहे हैं? या तो हमें उस वाले पार्ट पे जहाँ पर भी हमने योक क्रिएट करना है, उस पार्ट को हमें थोड़ा सा स्टिफ करना है, थोड़ा सा स्टिफ होगा वो, तो मजबूत होगा, ठीक है, स्ट्रोंग होगा उस वाले सेक्शन से जहाँ पे हमने योक बनाया है। क्योंकि उसमें ना योक में हमारे क्या होता है, बेसिकली डबल फैब्रिक अटैच हो जाता है, तो वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, हम योक का पर्पज़ क्या होता है हमारा, ईज़ का मतलब होता है थोड़ी सी लूजनेस देना किसी भी गारमेंट में, किसी भी गारमेंट में लूजनेस ऐड करना। तो इस पर्पस से भी हम योक्स क्रिएट करते हैं, स्टिफनेस ऐड करने के लिए गारमेंट में, उसके लिए भी हम योक्स बना सकते हैं, ठीक है। और थर्ड आता है हमारे पास पर्पस योक्स का, वो है कंफर्ट। यानी कि गारमेंट में अगर हमें थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, या फिर हमें गारमेंट को हम थोड़ा अट्रैक्टिव लुक में क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग बनाना चाहते हैं, तो भी हम योक्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब योक से कैसे कंफर्ट हमारा आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कंफर्ट के लिए भी गारमेंट में हम योक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो कई योक्स होते हैं ना, उनमें गैदर्स वगैरह डले होते हैं, आपने देखा भी होगा। जो टॉप्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन स्टिचिंग की होती है बस्ट से ऊपर वाले एरिया में, और नीचे होते हैं पूरे गैदर्स, तो वो एकदम जो होता है ना फ्लोन्सी सा टॉप होता है। तो उस तरह के जो टॉप्स हैं या उस तरह के जो भी गारमेंट्स होते हैं, उनसे ना उस तरह के योक से भी कंफर्ट हमारे गारमेंट में ऐड होती है। तो अगर हमें जो है, हम थोड़ा फिटेड गारमेंट पहनना पसंद नहीं करते, तो हम योक्स वाले टॉप्स या फिर गारमेंट को भी वियर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कंफर्टनेस ऐड कर देते हैं गारमेंट में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी गर्ल
टॉप ले रही है योक वाला, तो जो योक होगा वो बस्ट के ऊपर वाले पार्ट में एक स्टिचिंग लाइन होगी, और जो बस्ट से नीचे वाला जितना भी पार्ट है यानी कि जो स्टिचिंग वाली लाइन है वहाँ से तुम्हारी गैदर स्टार्ट हो रही है या फिर प्लीट स्टार्ट हो रही है। तो मतलब इस तरह के जो भी हमारे फुलनेस होती हैं अगर वो ऐड हो जाती हैं योक्स के अंदर, तो एक कम्फर्टनेस ऐड हो जाती है गारमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कम्फर्ट का मतलब यही है कि हम किस पर्पज़ से योक बना रहे हैं, स्टिफनेस ऐड करने के लिए बना रहे हैं या फिर ईज हमें चाहिए, थोड़ी सी लूजनेस चाहिए उसके लिए हम बना रहे हैं, या फिर कंफर्ट चाहिए गारमेंट में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मैं आपको जो भी कुछ बताती हूँ ना वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि बेसिकली कोई भी जो चीज़ है या कोई भी टॉपिक है जिस पे जिसको भी आप समझना चाहते हैं, जिस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, वो आपको ईजिली माइंड में समझ में आ जाए कि वो चीज़ है क्या। अगर आपको ना कोई भी टॉपिक समझ में आ जाता है ईजिली, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर आप ना उसको बना कर भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो भी नोट्स में है वही लिखना है, अगर समझ में आ गई है वो चीज़ तो लिख सकते हो। ठीक है, तो वापस हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। तो योक्स हम पढ़ रहे थे, योक्स बेसिकली क्या होते हैं, एक सेगमेंट होती है गारमेंट में, इसको गारमेंट में कंस्ट्रक्ट किया जाता है किस पर्पज़ से, वो पर्पज़ मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इट कैन बी सीन इन द गारमेंट ऑफ चिल्ड्रन मैन एंड वीमेन। अब जो योक होता है वो कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया गर्ल्स के टॉप्स में, यानी कि वीमेंस गर्ल्स होगी या वीमेंस होगी। ठीक है, चिल्ड्रन के गारमेंट में भी हमें योक देखने को मिलते हैं, मैंस के गारमेंट में भी होते हैं, शर्ट्स में होंगे जैसे कि। ठीक है, और वीमेंस के गारमेंट में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, देखो स्कर्ट्स में भी देखने को मिलते हैं, वीमेंस के गारमेंट में जो स्कर्ट्स होती है ना उसको आपने कई बार देखा भी होगा कि स्कर्ट वाले पार्ट में भी हमारे योक दिया होता है, एक वी शेप या स्ट्रेट में इस तरह से। ठीक है, उसको मैं आगे आपको फर्दर फिर से बताऊंगी कि किस तरह से योक स्कर्ट में हमारे होते हैं विद पिक्चर्स के साथ। अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ, अभी हम बेसिक इंट्रो कर रहे हैं ना योक्स का, तो मैं बताती हूँ आपको। ये तो हमारे जो योक्स होते हैं ना वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किस तरह का गारमेंट वियर करना चाहते हैं, तो हम अपने गारमेंट को उस तरह का बना सकते हैं। हम जो है अगर डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो हम किस तरह से बनाएं उसको, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि शोल्डर से या फिर जो अपर पार्ट है या लोअर पार्ट है हिप का, वहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं। हमारी मर्ज़ी है, हम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। डेकोरेटिव के लिए बना रहे हैं तो उसमें लेस ऐड कर दो, बीड्स ऐड कर दो, ठीक है, पाइपिंग ऐड कर दो, कलर कॉम्बिनेशन ले लो डेकोरेटिव में। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ये। अब जैसे कि योक्स जो होते हैं ना, अब यहाँ से सुनो, मैं योक्स आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, अब योक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, यानी कि जो उनकी शेप होती है योक्स की, जैसे मैंने बताया अभी मैं बोल रही थी कि वी शेप योक, स्ट्रेट योक। ठीक है, तो इस तरह ये उनके स्ट्रक्चर है, यानी कि किस तरह के हमारे योक्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जैसे वी शेप हो गया, ओवल शेप हो गया, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऑफ शोल्डर योक हो गया। इस तरह के योक्स हमारे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं पर्सन के, या फिर जो वियरर है जो उस गारमेंट को डालेगा, या जिस पर्सन के लिए वो गारमेंट बनाया जा रहा है उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर वो डिपेंड करते हैं कि वो पर्सन किस तरह के अपने गारमेंट में योक को चाहता है, स्ट्रेट चाहता है, राउंड बनाना चाहता है, या फिर किस तरह का वो उसे चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम योक्स को बना सकते हैं। तो ये था हमारा योक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि योक्स होते क्या हैं। ठीक है, योक्स का पर्पज़ क्या है, यानी कि गारमेंट में हम योक्स क्यों बना रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर योक्स का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि वो दिखने में कैसे होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, बनावट कैसी होती है उनकी, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ योक्स, यानी कि योक के क्या क्या टाइप्स हैं, कि किस तरह के योक्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी ना, राउंड योक, वी योक, ये योक, तो ये तो हमारे हो गए बेसिक योक, जिसमें राउंड आ गया, स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो इनके ना टाइप्स होते हैं कैसे, जैसे कि प्लेन योक हो गया या फिर बेसिक योक हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट योक का पार्ट है। ठीक है, सेकंड हमारा पार्ट होता है योक का, वो है डेकोरेटिव योक। ठीक है, यानी कि हमारे
कितने टाइप्स होते हैं योक के? टू टाइप्स होते हैं, प्लेन योक और डेकोरेटिव योक। अब देखो प्लेन योक में भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होते हैं हमारे पास, यानी कि प्लेन योक भी एक तरह का नहीं होता, अलग अलग शेप्स के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा डेकोरेटिव योक जो होता है वो भी एक शेप का नहीं होता, वो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स उनमें आती हैं, ठीक है। अब योक्स को उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, बनावट के अकॉर्डिंग प्लेन और डेकोरेटिव योक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो प्लेन योक होते हैं, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले पॉइंट पे आएंगे, प्लेन या फिर बेसिक योक, ठीक है। तो प्लेन योक जो होते हैं, प्लेन है जैसे ही, जैसे कि इसके नेम से पता ही चल रहा है, प्लेन योक या फिर बेसिक योक, जिस जो बिल्कुल सिंपल सा हो, सोबर सा हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ना हो, सिर्फ जस्ट एक स्टिचिंग लाइन हो, ठीक है, थोड़ा सा कर्व ऐड हो, यानी कि कर्व्स वाले और स्ट्रेट लाइंस वाले हमारे बेसिक योक होते हैं। इनको हम बेसिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन ऐड नहीं की गई है। मींस एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ नहीं किया हो, जिस भी पार्ट में या फिर जिस भी गारमेंट में हम डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ नहीं करते, उसकी ऑर्नामेंटेशन यानी कि उस चीज़ को हम डेकोरेट नहीं करते, तो उसको हम प्लेन या फिर बेसिक चीज़ बोलते हैं, चाहे वो योक हो या कोई गारमेंट हो, ठीक है। अब जिस योक में हमारा कोई भी मटेरियल यानी कि डेकोरेटिव चीज़ें क्या होती है, पाइपिंग होगी, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, बीड्स हो गए, पर्ल्स हो गए, सीक्वेंस हो गए, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया, ये सारे प्लीट्स, गैदर्स, रफल, ये सारे तुम्हारे डेकोरेटिव में आएंगे, डेकोरेटिव योक के अंदर आएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो जिस भी चीज़, जिस भी योक के अंदर ये वाली चीज़ें ऐड ना हो, जो मैंने अभी आपको बताई, बीड्स, पर्ल्स वगैरह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन योक, ठीक है। जिसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन ऐड ना हो, वो हमारा प्लेन और बेसिक योक होता है, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं है, जस्ट एक स्टिचिंग लाइन होती है और कर्व लाइन होती है, ठीक है। तो प्लेन योक का फर्स्ट पॉइंट ये था कि इसको, इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी प्लेस्ड ऑन फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द मैन शर्ट, यानी कि जो प्लेन योक होता है वो मैन की शर्ट के बैक पार्ट पे भी होता है और फ्रंट पार्ट पे भी होता है, ठीक है, और गर्ल्स के टॉप्स में भी ये हमें देखने को मिलते हैं योक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्लेन योक का, वो है ये जो योक होते हैं वो कैसे कट किए जा सकते हैं, इसको हम पाइपिंग के साथ भी कर सकते हैं और सीम के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट योक आता है, जो कि बेसिक योक है हमारा, वो है राउंड योक। तो राउंड योक जो होता है हमारा, वो हमारा होता है राउंड शेप में जो दिखता है उसको राउंड योक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है, इसकी शेप कैसी है, राउंड, तो इसलिए इसको हम राउंड बोल रहे हैं। और योक हमारे कहाँ पे होते हैं? बस लाइन के ऊपर वाले सेक्शन में एक स्टिचिंग लाइन हमें दी होती है, वो स्टिचिंग लाइन किसी भी तरह की होती है, यानी कि या तो वो कर्व में हो सकती है या फिर वो स्ट्रेट हो सकती है, तो उस वाले सेक्शन को हम योक बोलते हैं, ठीक है। अब राउंड योक की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन यानी कि कहाँ पर हमें ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि चाहे वो योक हो या किसी भी चीज़ की हम जब बात करते हैं, हमने ये चीज़ बोली है कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स कहाँ पर वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, चाहे वो योक हो या कोई भी गारमेंट हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे योक की बात कर रहे हैं, तो योक की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि किस किस गारमेंट में हमें राउंड योक देखने को मिलता है? तो हमारा ये विमेंस वेयर में देखने को मिलता है, फ्रॉक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। नाइटी जो होती है विमेंस की, आपने देखा ही होगा, नोटिस किया होगा, ऊपर वाले सेक्शन में, जैसे कि स्ट्रेट ले लो या फिर तुम एक इन्वर्टेड ट्रायंगल ले सकते हो, उस टाइप में हमें ना एक स्टिचिंग लाइन दी होती है बस लाइन से ऊपर, और उसके नीचे ना गैदर्स होते हैं, नोटिस किया होगा कभी, तो उसके नीचे गैदर्स होते हैं और वो बिल्कुल लूज होती है, तो वो ये जो गैदर्स दिए हैं और वो जो शेप दी हुई है वो हमारी योक है, ठीक है। तो नाइटी में हमें देखने को मिलती है, वुमेंस वेयर में, वुमेंस वेयर में बहुत सारे गारमेंट हैं जिनमें हमें देखने को मिलती है, जैसे एक तो मैंने बताई दिया नाइटी हो गया, फ्रॉक्स हो गया, और चिल्ड्रन गारमेंट में भी हम राउंड योक के जो बच्चों के गारमेंट होते हैं उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, जो उनके टॉप्स होते हैं उनमें भी देखने को हमें मिलते हैं इस तरह के योक्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चिल्ड्रन के गारमेंट में राउंड योक ही होगा, स्ट्रेट योक भी होते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, गर्ल्स में जैसे स्क्योर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो इस तरह के वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। और ये कैजुअल वेयर गारमेंट में भी हमें देखने को मिलता है राउंड योक, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो योक आता है वो है स्क्वायर योक, यानी कि जिसकी शेप जो होगी स्क्वायर की तरह दिखेगी, वो स्क्वायर योक है, ठीक है। और उसको स्क्वायर तभी बोलेंगे, मीन्स हम किसी भी शेप को योक तब बोलेंगे जब वो बस लाइन के अपर वाले पार्ट में स्टिचिंग लाइन हमें दी होगी, चाहे वो स्क्वायर हो, राउंड हो, स्ट्रेट हो, कर्व में हो, ठीक है। अगर बस लाइन से ऊपर दी हुई है तो ही वो योक माना जाएगा, अगर बस लाइन से नीचे कोई भी डिज़ाइन हमारा आ रहा है तो वो योक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने साथ में पिक्चर्स भी दी हुई हैं, इसमें भी आप देख सकते हो कि योक्स हमारा किस तरह का दिखता है बेसिकली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं ये बता रही थी कि स्क्वायर योक क्या होता है, तो जो स्क्वायर योक होता है वो स्क्वायर की तरह दिख रहा है तो वो उसकी जो शेप है स्क्वायर की तरह है, एक बॉक्स है, ठीक है, तो उसको हम स्क्वायर योक बोलेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादातर वीमेंस वेयर में यूज़ होता है, कुर्तीज़ वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट योक आता है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरह का लगता है। इस तरह के योग जो होते हैं ना जैकेट्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, मैन की शर्ट्स में भी होते हैं ये, ज़्यादातर ये जैकेट्स वगैरह में होते हैं, डेनिम की जैकेट्स में आपने नोटिस किया होगा ज़रूर, तो वो योग ही होता है ना, ठीक है। और वो बस लाइन से नीचे तो नहीं आता ना, ऊपर ही होता है, तो उस तरह के सेक्शंस को ना हम योग बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिन है ना, यानी कि जो बेसिकली ये आया कहाँ से, इस तरह का जो ये योक है ये आया कहाँ से है, ये वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर से ये लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े से वाइडर होते हैं, ठीक है, शोल्डर से ये योक हमारा वाइडर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ना हमारे बहुत सारे योक्स होते हैं, बेसिक योक होते हैं, जैसे कि राउंड, स्क्वायर, ओवल, वी शेप योक्ड, तो ये सारे ही हमारे विमेंस वेयर, चिल्ड्रन कहीं कहीं हमारे मैंस वेयर में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पर्पज़ के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये हम अपने टारगेट ऑडियंस के लिए या फिर जो हमारा टारगेट कस्टमर है जिसके लिए भी हम बना रहे हैं उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का योग अपने गारमेंट में चाहता है। अब वो ऑडियंस हमारी या फिर जो कस्टमर है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैन हो या वीमेन हो या फिर किसी बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने योग्स को बना सकते हैं गारमेंट में, ठीक है। तो ये जो सारे मैंने आपको बताए ये बेसिक योग है, ऐसे ही हमारा एक और बेसिक योग में आता है। देखो इसमें कोई भी फुलनेस ऐड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड नहीं है, इसलिए इसको बेसिक योक बोला गया है। तो जो हमारा असिमेट्रिकल योक होता है ना, असिमेट्रिकल यानी कि जिसकी शेप बराबर नहीं होती उसको असिमेट्रिकल बोलते हैं, ऊपर नीचे होता है वो, ठीक है। तो उस योक को हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल, जो सिमिट्री में ना हो, जो लाइन में ना हो, तो वो कौन होता है, असिमेट्रिकल यानी कि ऊपर नीचे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो असिमेट्रिकल योक किस तरह का दिखता है। तो जैसे कि असिमेट्रिकल योक की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्लांट है जो फर्स्ट वाला है, जो योक इसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल स्लांट में बनाया, तो इस तरह का योक भी हमारा असिमेट्रिकल है, ठीक है। ये बराबर नहीं है ना, ऊपर नीचे है ये, ठीक है, छोटा बड़ा है ये, एक शोल्डर से इसका कम स्पेस है और दूसरे वाले शोल्डर पे इसका जो गैप है वो वाइडर है, ठीक है। तो और जो दूसरे वाला योक है वो भी असिमेट्रिकल योक है, इसकी भी शेप बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के योग भी बेसिक योग ही होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्योंकि लाइन्स ही ऐड है, कोई एक्स्ट्रा फुलनेस ऐड नहीं है, तो ये भी बेसिक योग ही हैं हमारे। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वीमेंस गारमेंट है, ठीक है, ज़्यादातर वीमेंस गारमेंट में हमें ये देखने को मिलता है, टॉप्स वगैरह में, ठीक है। तो और इसको हम क्यों बोल रहे हैं असिमेट्रिकल, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है दोनों साइड से, ठीक है, सेंट्रल लाइन भी इसकी आइडेंटिकल नहीं है। तो ये तो थे हमारे बेसिक योक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विदाउट फुलनेस, यानी कि जिसके अंदर कोई भी गारमेंट का एक्स्ट्रा फैब्रिक इंक्लूड नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विदाउट फुलनेस, यानी कि बिना फुलनेस के हमारे बेसिक योक होते हैं। जिस भी गारमेंट में फुलनेस ऐड होगी, यानी कि गैदर्स, प्लीट्स, टक्स, रफल, फ्रिल, ये सभी क्या है, फुलनेस क्रिएट करने के मेथड हैं। तो जिस भी योक में ये सभी चीज़ें ऐड होंगी तो वो विद फुलनेस हो जाएगा, यानी कि वो हमारा डेकोरेटिव योक में आ जाएगा फिर, ठीक है। और डेकोरेटिव योक में और क्या क्या आता है हमारे पास, बीड्स, पर्ल्स,
ये सभी चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक योग। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ योग आता है वो है डेकोरेटिव योग। तो डेकोरेटिव योग क्या होता है हमारे पास? डेकोरेटिव योग जो होता है वो डेकोरेटिव मटेरियल से बनेगा, वो डेकोरेटिव योग है। जिसके अंदर फुलनेस ऐड होगी वो भी डेकोरेटिव योग है। जिसके अंदर प्लीट्स गैदर रफल फ्रिल्स ये सभी चीज़ें हमारी क्या हैं, फुलनेस क्रिएट करने के मेथड्स हैं, तो ये चीज़ें ऐड हैं योग के अंदर, तो वो डेकोरेटिव योग है। ठीक है, इसमें लाइंस के साथ, स्टिचिंग लाइन के साथ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ऐड होता है और ऑर्नामेंटेशन मटेरियल भी हमारा इसमें यूज़ होता है, बीड्स वगैरह। तो उन सभी चीज़ों, जिन भी गारमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जिस भी योग के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो वो हमारा डेकोरेटिव योग होता है। इसमें हम कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं अपनी नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये किस तरह के ये दिखते हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, वो शेप्स आप देख ही सकते हो कि किस तरह की ये लग रही हैं। तो जिस भी चीज़ के अंदर हमने बीड्स पर्ल्स ये सब चीज़ें ऐड कर दी, वेरियस स्टक्स प्लेट्स ऐड कर दी किसी भी गारमेंट के अंदर, तो वो हमारा डेकोरेटिव योग है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हुआ ये। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि जिसके अंदर फुलनेस ऐड होती है या फिर जिसके अंदर हम कलर कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं, वो हमारा डेकोरेटिव योग के अंदर आएगा। थर्ड, ये जो होते हैं पर्सन की नीड्स के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम गारमेंट में स्टिच करते हैं किसी भी पार्ट में। ठीक है, चाहे वो स्कर्ट भी हो सकता है तुम्हारा, या फिर तुम्हारा अपर वाला पार्ट भी हो सकता है, शर्ट्स वगैरह होगी, तुम्हारे टॉप्स होंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, योक्स को हम कर्व लाइन में भी बना सकते हैं, चाहे वो स्कर्ट हो या फिर अपर वाला पार्ट हो। ठीक है, और कई तरह की उसमें सीम्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टिचिंग लाइन भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि विदाउट स्टिचिंग लाइन के तो हमारा बनेगा ही नहीं योक। फिफ्थ पॉइंट आ सकता है कि हम एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, डेकोरेटिव योग है तो एम्ब्रॉयडरी भी हम यूज़ कर सकते हैं योक्स के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर भी एम्ब्रॉयडरी ऐड है, पर्ल्स ऐड है, बीड्स ऐड है, सीक्वेंस ऐड है, रफल प्लीट्स गैदर टक्स फ्रिल फ्लोंसेस ये सभी चीज़ें जिस भी योग के अंदर ऐड होंगी, वो हमारा कौन सा योग होगा? डेकोरेटिव योग, यानी कि विद फुलनेस, फुलनेस के साथ। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैंने आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर दी हैं कि बेसिक योग हमारा क्या होता है। बेसिक योग हमारा विदाउट फुलनेस होता है, और दूसरा हमारा आता है डेकोरेटिव योग जो कि विद फुलनेस होता है, जिसके अंदर ऑर्नामेंटेशन की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब मैंने, जैसे कि मैं आपको जब डेकोरेटिव योग बता रही थी, तो मैंने इसमें बोला कि हम स्कर्ट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, तो ये तो दो हो गए पॉइंट्स अलग। तो अब हम ये जानते हैं कि हम योक जो है स्कर्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, कि योक के अंदर भी योक जो हमारा यूज़ होता है वो स्कर्ट के अंदर भी यूज़ होता है या नहीं होता। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो योक के अंदर, हाँ ये देखो, योक है तो हम कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं गारमेंट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्कर्ट में भी योक्स को ऐड कर सकते हैं। आपने कई तरह के गारमेंट देखे होंगे, स्कर्ट्स बेसिकली, जिनके अंदर जो हमारी जो वेस्ट लाइन होती है और जो हमारा हिप लाइन होता है, हिप लाइन से थोड़ा सा ऊपर और वेस्ट लाइन से 3-4 इंचेस तक हमारा एक स्टिचिंग लाइन दी होती है, चाहे वो स्ट्रेट हो, राउंड हो या फिर वी शेप में हो। तो इस तरह के जो योक्स का जो स्ट्रक्चर है स्कर्ट के अंदर भी दिया होता है। ठीक है, तो वो भी हमारे योक ही होते हैं, जैसे कि मैं आपको साइड बाय साइड स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ कि स्कर्ट्स में हमारे योक जो हैं किस तरह के दिखते हैं, तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हमारे योक्स हैं। ठीक है, अब देखो, योक्स इन स्कर्ट, यानी कि स्कर्ट में हम किसी भी तरह, किसी भी शेप में वेस्ट लाइन के ऊपर हम अपने योक को बना सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम गैदर्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी योक में हम गैदर्स भी ऐड कर सकते हैं, प्लीट्स भी ऐड कर सकते हैं स्कर्ट के अंदर भी। ठीक है, तो वो भी हमारा योक में ही आएगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जो बॉटम पार्ट है योक का, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है योक का, वो मैच होना चाहिए। ये हमारा मेन पॉइंट है, कि चाहे वो, ज़रूरी नहीं है कि स्कर्ट ही हो हमारा, वो हमारा अपर गारमेंट भी हो सकता है, टॉप
हो गया हमारे वीमेंस के जितने भी गारमेंट होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन के गारमेंट है जो, तो उनमें जो भी स्टिचिंग लाइन होती है योक की, जो भी बॉटम पार्ट होता है योक का बॉटम पार्ट बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, गारमेंट का बॉटम पार्ट नहीं बोल रही, इस बात का ध्यान में रखना है। यानी कि जो योक की शेप है वो आपस में मैच करनी चाहिए, उनका साइज इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। स्कर्ट में बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर हम अपर पार्ट में बना रहे थे हम असिमेट्रिकल योक भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम स्कर्ट में बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो शेप है वो एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए योक की, ठीक है। अगर हम गैदर्स वगैरह भी इसमें ऐड कर रहे हैं तो भी। तो ये तो था योक्स इन अ स्कर्ट, और मैंने आपको टाइप्स भी बता दिए। उम्मीद है कि आपको जितना भी मैंने अभी तक बताया है योक्स के बारे में, योक किस तरह के होते हैं, उसका पर्पस क्या है, गारमेंट में किस तरह के वो दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट कैसी होती है, बनाए कैसे जाते हैं वो, ठीक है, दिखने में कैसे होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।